हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपार्टी ऑर्डर और एक्सपार्टी जजमेंट या डिक्री को सेट असाइड कैसे करवाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सपार्टी ऑर्डर और एक्सपार्टी जजमेंट या डिक्री। ये कोर्ट कब पास करता है और इनको सेट असाइड करवाने के कौन से हमारे पास लीगल रेमेडीज होते हैं। दोस्तों, जब भी कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है प्लेंटिफ की तरफ से, तो कोर्ट की तरफ से डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स को समन इशू किए जाते हैं कोर्ट में हाजिरी के लिए, उस दावे का जवाब देने के लिए और जो है जितने भी दावे में क्लेम किए गए हैं उसके संबंध में बताने के लिए समनिंग की जाती है। और समनिंग के बाद जो है ये माना जाता है कि वो कोर्ट में निश्चित तारीख पे, निश्चित समय पे हाजिर होके अपना जो है काउंटर क्लेम, जो उनका पक्ष है, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि कई बार जो है डिफेंडेंट समन लेने के बावजूद भी, रिसीविंग करने के बाद, समनों की तालीम होने के बाद भी जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता या वो जानबूझकर जो है कोर्ट की हाजिरी से बचता है। तो ऐसे में जो है कोर्ट के पास क्या अधिकार है? तो दोस्तों, जब समनों की तामील हो जाती है और कोर्ट को ये लगता है कि जो ये डिफेंडेंट है या ये डिफेंडेंट्स हैं ये जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट जो है एक सफिशेंट रीज़न देखकर उनको जो है एक्सपार्टी घोषित कर देती है। एक्सपार्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो डिफेंडेंट है वो उसकी अनुपस्थिति के चलते हुए, मतलब उसकी प्रेजेंस के बिना जो है कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है और जो है जितने भी केस में अगले स्टेप्स हैं वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डिफेंडेंट वो जो है शुरू कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब कोई एक्सपार्टी हो जाता है तो उसको बिना सुने जो है कोर्ट फैसला सुनाता है। और इसके अलावा जो है अगर डिफेंडेंट जो है पूरे केस की सुनवाई के दौरान भी उपस्थित नहीं होता या उन जो ऑर्डर है एक्सपार्टी का उसको सेट असाइड करवाने के लिए नहीं आता है, तो कोर्ट जो है आखिर में जो एक्सपार्टी जजमेंट है और एक्सपार्टी डिक्री है वो भी पास कर देती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एक्सपार्टी ऑर्डर या इस एक्सपार्टी जजमेंट को सेट असाइड करवाया जा सकता है? जी दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, कि अगर जो है आप किसी लेटर स्टेज पे कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं एक्सपार्टी ऑर्डर होने के बाद या एक्सपार्टी जजमेंट होने के बाद भी अगर आप कोर्ट में पेश होते हैं और एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसमें अपना ग्राउंड बताते हैं कि मैं इस वजह से जो है कोर्ट में पेश नहीं हो सका था या मुझे समन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिले या मेरे पास बहुत ही कम समय बचा था कोर्ट में हाजिर होने के लिए, मुझे एक दो दिन पहले ही समन मिले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कोर्ट जो है उसके एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकती है और जो है जो एक्सपायर्ड ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड करके जो डिफेंडेंट है उसको जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो केस की कार्रवाई है उसमें शामिल कर सकती है। और दोस्तों, बात जो एक्सपायर्ड जजमेंट की अगर हम बात करें और डिक्री की बात करें तो उसके खिलाफ भी जो है एक्सपार्टी जजमेंट और एक्सपार्टी डिक्री को तोड़ने के लिए भी जो है डिफेंडेंट जजमेंट पास होने के बाद कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से जो है एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैं जो है इस वजह से जो है
इस कोर्ट इस केस की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सका, इसलिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और मुझे जो है इस डिक्री और जो जजमेंट है जो एक तरफा जो है जिसका फैसला हुआ है उसमें जो है उसको सेटिसाइड करके मुझे रिलीफ दिया जाए। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही एक प्रेरोगेटिव होता है कोर्ट का कि कोर्ट इस चीज़ को माने या ना माने, क्योंकि जो है आपकी एब्सेंस के बहुत ही सॉलिड रीज़न होने चाहिए कि आप कोर्ट में हाजिर नहीं क्यों नहीं हो पाए, और अगर आप हाजिर नहीं हो पाए तो उसके क्या सॉलिड ग्राउंड जो है वो उसमें दिए गए हैं। और